पांचना बांध बनी थी एक स्टॉप डैम की तरह से, उसको फिर बड़ा ऊंचा कर दिया, पूरी गंभीर नदी को तो सुखा दिया। हम जाएं तो कहां जाएं, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सूखा कंगाल हो रखा है पूरा इलाका, यहां पर पानी नहीं है, खेत बंजर हो रखे हैं, आर्थराइटिस हो रही है लोगों को, पॉइजनिंग हो रही है, पानी का लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है, लोग मर रहे हैं, औरतें बांझ हो रही हैं, मर्द नपुंसक हो रहे हैं, खेत खलिहान खाली हो रहे हैं, जो किसान हैं वो जाकर के भरतपुर और जयपुर में जाकर के लेबरर बने हुए हैं, ये हालत कर रखी है। अब हम मांग रहे हैं कि आप हमें चंबल का पानी पांचना में दे दो, और पांचना से आप जगर में दे दो, और भरतपुर में घना में दे दो, उसमें दिक्कत क्या है? आप जानते हैं कि जो गंभीर नदी जो चल रही है, इससे 12 तो विधानसभा, 4 लोकसभा, करीब 2500 गांव और 50 लाख लोग अफेक्टेड हैं, सरकारें सोच ही नहीं रही हैं। कभी वित्तीय इसमें फंसी हुई है, कभी वहां फंसी हुई है। ईआरसीपी 2017 में शुरू होने वाली थी, अभी तक शुरू नहीं हुई है। हम लोग प्यासे मर रहे हैं और वाकई मर रहे हैं, आप समझिए मेरी बात को। वी हैव अ प्रॉब्लम एट हैंड एंड नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। इलेक्शन टाइम्स में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी भाषण कर जाते हैं, स्टेटमेंट दे जाते हैं, उसके बाद गायब। आज 3 साल हो गए, जितने भी इस इलाके के एमएलए हैं, चाहे टोडा भीम का हो जाए, चाहे आप सपोटरा का ले लें, चाहे आप ये करौली का ले लें, चाहे आप हिंडौन के ले लें, चाहे कहीं के, सब लोगों ने यही भाषण दिया था इलेक्शन से पहले कि हम पानी लेकर आएंगे। अब कहां हैं? गायब हो जाते हैं सारे के सारे। मेरे हाथ जोड़ के विनती है सब लोगों से, और खास करके राजस्थान सरकार से, कि पानी लाके दीजिए, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जो फ्लोराइड इतना हो गया है पानी में, जमीन के अंदर इतना गहरा चला गया है पानी, जिसकी वजह से बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। सरकारें कर क्या रही हैं? भाई हम तो, हमको पानी लाके दो, हमें ये नहीं मतलब कहां से लाके दोगे, आप लोग सरकार में हो लाके दो, ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है इसलिए हम नहीं देंगे। भैया सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है तो क्या हम प्यासे मर जाएं? मुझे ये बताइए कि सारा का सारा जो प्रोग्रेस होता है ये पश्चिमी राजस्थान में क्यों होता है? पूर्वी राजस्थान में हर जगह कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है। जितनी मेहनत और एनर्जी आप लोग पश्चिमी राजस्थान में लगाते हैं सरकारें, उतनी क्या पूर्वी राजस्थान में नहीं लगा सकते? क्या हमें पानी नहीं दे सकते? पानी जैसी चीज मांग रहे हैं हम, कोई आपसे 5-स्टार होटल थोड़ी मांग रहे हैं। पानी नहीं दे सकते आप हमें? आप सुनिए मेरी बात और समझिए इस बात को कि अगर आप हमको इस तरह से ट्रीट करोगे, यहां के लोगों को क्या प्यास नहीं लगती? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनके बच्चे प्यासे नहीं मरते? जिस व्यक्ति के पास 20 बीघा जमीन है और वो जाकर के बेलदारी कर रहा है जयपुर और भरतपुर में, उसकी तो जिंदगी खत्म है ना भाई साहब। आप लोग कर क्या रहे हो, दे क्या रहे हो? झूठे आश्वासन, बड़ी बड़ी बातें, है क्या उसके बाद? कुछ भी नहीं है भाई साहब। धरातल पे काम कीजिए, कमरों से बाहर निकलिए। जयपुर में आप 70-70 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो गवर्नमेंट हॉस्टल में 5-स्टार फैसिलिटी लाने के लिए, और यहां के बंदे प्यासे मर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे? जागिए, मेरी आपसे निवेदन है, कुछ करिए। नहीं तो अगर हम ज्यादा प्यासे मर गए ना, तो हम प्यास बुझाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर लोग खड़े हो गए तो दिक्कत हो जाएगी।